पटना जंक्शन पर उमड़ी श्रद्धालु भीड़, गया जाने वाली ट्रेनों में गेट से लटके हैं यात्री। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर रेलवे की ओर से जो तैयारी की गई थी वो धरी की धरी रह गई। मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के बाद भी सफर में श्रद्धालुओं को सहूलियत नहीं मिल रही है। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु परेशानी के साथ सफर करने के लिए बेबस हैं। पटना जंक्शन से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सुबह से इतनी भीड़ हुई कि यात्रियों को गेट और पायदान पर लटक कर और सीटों के बीच खड़ा होकर सफर करना पड़ा। कई यात्री भीड़ की वजह से ट्रेन पर चढ़कर फिर नीचे उतर गए, ट्रेन छोड़ दिया। बहरहाल ऐसे लोग पटना जंक्शन पर ही दूसरी ट्रेन के इंतजार में हैं। रविवार को आपको बता दें, जीएम एके खंडेलवाल ने बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्पेशल पैसेंजर्स ट्रेन चलाई जा रही है। भीड़ भाड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि यात्रियों की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दें आपको, कार्तिक पूर्णिमा को लेकर रेलवे की ओर से जो तैयारियां की गई थी वो धरी की धरी रह गई। मेला खास ट्रेनों के परिचालन के बाद भी सफर में श्रद्धालुओं को सहूलियत नहीं मिल रही है। पटना जंक्शन से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सुबह से इतनी भीड़ हुई कि यात्रियों को गेट और पायदान पर लटक कर और सीटों के बीच खड़ा होकर सफर करना पड़ा। गया जाने वाले पैसेंजर्स में गेट पर लटक कर सफर कर रहे राहुल ने बताया है कि वो पार्ट टू का एग्जाम देने गया जा रहे हैं। 3 घंटे का सफर गेट पर ही लटक कर तय करना पड़ेगा।